बोला है कि बौद्ध धर्म जो एक पवित्र धर्म है, और इसको आप पवित्र कैसे मानते हो? क्योंकि जो और जो लोग हैं ये कहते हैं भाई हमारा धर्म है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, तो आप इसको पवित्र कैसे मानते हैं? पहले तो भगवान गौतम बुद्ध को इनके जैन जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, और संपूर्ण देश को, विदेशों में भी मेरी बधाई पहुँचे तो बहुत अच्छा है। और ये सबसे पहले तो शांति का संदेश देते हैं भगवान गौतम बुद्ध, और अहिंसावादी इनकी विचारधाराएं रही हैं, और समाज को जो है एक सच्चा आईना दिखाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है। और ये आज 56 देशों में, विश्व के 56 देशों में इनका, लगभग 56 देशों में इनका जो है बौद्ध धर्म चलता है। और बड़ी विडम्बना है सर, तथागत गौतम बुद्ध हमारे ही देश में पैदा हुए और इनका धर्म यहाँ बहुत निम्न स्तर पर है, पर मैं आज इनके ना जन्मदिन पर दो बातें कहना चाहूँगा, मुझे अगर इजाज़त मिले 5 दोहे सुनाऊँगा। सुना दे, मैं 5 दोहे तथागत गौतम बुद्ध को सुनाना चाहता हूँ। रंग बदलना सीख कर यो गिरगिट की ढाल, इंसानों की हो गई अब तो भेड़ा चाल, हो भैया अब तो भेड़ा चाल। तथागत गौतम बुद्ध के विषय में एक दोहा है, सादा जीवन राखिए मन में शुद्ध विचार, ये ही साचा जानिए पंचशील का सार, हो भैया पंचशील का जा सार। ऊंची बहुत दुकान में हो फीके पकवान, इंसानों के बीच में रहते बोध महान, हो भैया रहते बोध महान। अपने दुख से ना दुखी, दुख कितना भी हो, औरन के सुख से कभी परसंता ना होए, हो भैया परसंता ना होए। और तथागत गौतम बुद्ध के लिए ही है, उनका संदेश इस दोहे में छुपा हुआ है, अंतिम दोहा है। सादा भोजन खाइए पानी पियो छान, पक्षपात से ना कहो मूर्ख को विद्वान, हो भैया मूर्ख को विद्वान। तथागत के लिए मैं सीधा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा।